हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर, जो कि रियल क्वेश्चन है एकदम, वो पेपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम है पॉलिटेक्निक का, उनके लिए पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, और जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, और फुल क्वेश्चन क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि टाइम अलॉटेड 2 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाता है, और मैक्सिमम मार्क्स 150 होते हैं। मतलब 3 सेक्शन रहते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और सारे सेक्शन में 50 50 नंबर रहते हैं। तो जैसा कि इंस्ट्रक्शन है, आप लोग इसको टाइम लेके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसको पूरा रीड करने वाला नहीं हूँ। तो जहाँ आप लोग दिख रहा है क्वेश्चन पेपर, आपका हिंदी बायलैंग्वल रहेगा। ठीक है, जो भी हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए हिंदी, और इंग्लिश मीडियम है उनके लिए इंग्लिश। मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स में 50 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेक्शन मैथ है, लेकिन हम लोग मैथ सेक्शन को लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स सेक्शन को पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर जो भी स्टूडेंट मैथ क्वेश्चन के लिए आया है, अगर मैथ क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो वो लोग लास्ट में जाके मैथ क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं केमिस्ट्री के सेक्शन में, और केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, डैश गैस इज लिबरेटेड व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विथ H2SO4। जो हिंदी मीडियम से उनके लिए साइड में हिंदी में दिया गया है। ठीक है, तो मैं सिर्फ तो आप लोग इसको देख के दोनों के लिए ये यूज़फुल है। तो पहला क्वेश्चन है, डैश गैस इज लिबरेटेड व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विद H2SO4। कौन सा गैस निकलता है जब जिंक और H2SO4 को हम लोग एक साथ रिएक्ट करवाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक लाइम इज, इनमें से क्विक लाइम कौन सा है? त्वरित चूना हम लोग इसको किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaO। CaO को हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, सेक लाइम रिएक्ट स्लोली विथ CO2 इन द एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ। ढला चूना धीरे धीरे हवा में CO2 के साथ डैश की पतली परत बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डैश कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल एंड प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर। ठीक है, तो श्वसन के दौरान कोशिका में ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 और पानी का उत्पादन करता है, तो कौन हो जाएगा इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज करता है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो
पॉलिटेक्निक एंट्रेंस दे रहे हैं, ये साइंस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सबको पता है, तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन आप लोगों को करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, लोमय गंधक, सप्टिक का रंग क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन, कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर आपका हो जाएगा ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इमिशन ऑफ डैश अकर, जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो कौन से गैस उसमें से निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2SO4 प्लस BaCl2, जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl, इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश रिएक्शन। तो बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर रेडॉक्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, Na के साथ Cl आ गया और BaSO4 बन गया BaCl2 हटके। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर इसी में अगर एक एक के साथ होता तो होता डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विथ डैश गैस टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। यहाँ पर आपका बताया गया है कि जैसे हम लोग चिप्स खाते हैं तो उसमें एयर भरा रहता है, तो बताना है कि वो एयर कौन से गैस का रहता है और वो एयर क्या करता है चिप्स में, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कम करता है ताकि चिप्स ख़राब ना हो। तो यहाँ पर बताना है कि आपको कि कौन सा गैस वहाँ पर यूज़ होता है। तो उसमें कौन सा गैस यूज होता है, उसमें नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन गैस यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर डैश इज ऑब्टेन, चूने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने पर क्या प्राप्त होता है? ठीक है, जब हम लोग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में देते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को? तो इसमें हम लोगों को मिलता है CaHCO3 मिलता है, जिसको हम लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, द डैश सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा घोल बिजली का संचालन नहीं करता है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ग्लूकोज या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता।
क्योंकि इसमें आयरन नहीं टूटते हैं, आयरन नहीं टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं होगा, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ ब्लड इज, रक्त का पीएच क्या होता है? ये आपका एकदम याद कर लेना है, रक्त का पीएच आपका हो जाता है 7.4। बहुत इम्पोर्टेंट है रक्त का पीएच, आपको हर एक टाइम हर एक एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आवर स्टोमक प्रोड्यूस डैश एसिड विद द हेल्प ऑफ हेल्प इन डाइजेशन। हमारे पेट में कौन सा एसिड निकलता है ताकि मीन्स रिसाव होता है ताकि खाना को पचाने में मदद करता है, तो कौन सा एसिड है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट डैश कॉजिंग बर्निंग पेन। बिच्छू बूटी के डंग मारने वाले बाल के चुभने पर जलने के दर्द का कारण बनता है, मीन्स उसमें क्या रहता है जिससे हमको बर्निंग जैसा फील आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइट एसिड उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा है, एक वॉशिंग सोडा है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स के निर्माण के लिए क्या उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉशिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बोरेक्स के मैन्युफैक्चर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस इनमें से क्या उसका फॉर्मूला है ये हम लोगों को बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ठीक है। कितना वाटर क्रिस्टल है इसमें? हेमी क्रिस्टल इसको बोलते हैं, जो कि हाफ H2O हम लोग लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स इज कॉल्ड, धातुओं को पतली तारों में खींचने की क्षमता को क्या हम कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डक्टिलिटी, लचीलापन, जिससे हम लोग धातु को थिन वायर में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज मोस्ट मैलिएबल मेटल, कौन सा मेटल बहुत मैलिएबल है? मैलिएबल मतलब हम लोग उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग मैलिएबल बोलेंगे, अगर तार में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम लोग डक्टिलिटी बोलेंगे, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AU, और ध्यान रखना है AU और AZ, सिल्वर और गोल्ड सबसे ज़्यादा मैलिएबल और डक्टिलाइट मेटल है, लेकिन इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं वायर के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक, तो हम लोग अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं,
कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस इज नॉन मेटल बट इट इज लस्टरस। कौन सा गैर धातु है लेकिन वो चमकदार है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन वो चमकदार है, मीन्स लस्टरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ठंडे पानी के साथ कौन प्रतिक्रिया नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 71, मैंगनीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व डैश गैस, ठीक है। बहुत ही पतला, मतलब पानी मिला हुआ HNO3 के साथ मैंगनीज को रिएक्ट कराएंगे तो कौन सा गैस उसमें से निकलेगा? ये आपका क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अनुसार हम लोगों को बताना है कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सबसे कम रिएक्टिव है। तो इसमें सही ऑर्डर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Mg, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, ठीक है। मैंगनीज, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीना बार इज, चीना बार क्या है? तो आपको पता है ये मरकरी का ओर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HGS। HGS इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय। सल्फाइड अयस्कों को किसके द्वारा ऑक्साइड में हम लोग चेंज करते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रोस्टिंग। रोस्टिंग की मदद से हम लोग इसको चेंज करते हैं, सल्फाइड ओर को हम लोग रोस्टिंग की मदद से करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप में 75 है, Fe2O3 प्लस 2Al रिएक्ट करेगा और 2Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट निकलेगा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। तो इस प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस प्रतिक्रिया को हम लोग कहेंगे आपका थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, दिस इज बिकॉज ऑफ डैश कोटिंग। जब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग के घर में कोई चांदी का कुछ भी सामान है तो बहुत दिन यूज़ करने के बाद चांदी, जो चांदी का कलर एकदम फेड हो जाता है, मतलब चांदी चांदी जैसा नहीं लगता है और एक काला तरह का
एक परत जम जाता, तो उसको क्या कारण है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग उसमें जम जाता, इसका राइट आंसर सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन्ज इज ए अलॉय ऑफ, तो कांच का एक मिश्रित धातु है, तो ब्रॉन्ज का किसका अलॉय है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ब्रॉन्ज का हो जाएगा कॉपर प्लस टिन, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको और एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ब्रास कॉपर प्लस जिंक ब्रास। अब एक ट्रिक भी बताता हूँ इसी के साथ कि कैसे आप लोग इसको याद रखें। तो देखिए, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज आप लोग जैसे ही सुनेंगे तो थोड़ा ये इंग्लिश टाइप का ट्रिक है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले भी इसको याद रख सकते हैं। ब्रॉन्ज में आपका जेड आता है, ठीक है। तो इसका जो ये किससे बनेगा, उसमें कॉपर प्लस टीन होगा, ठीक है। मीन्स ब्रॉन्ज और ब्रास दोनों में आपका कॉपर कॉमन रहता है, कॉपर दोनों में है, लेकिन अगर ब्रॉन्ज में स्पेलिंग में आपका जेड आ गया तो उसमें आपको टिन ले लेना है, और ब्रास में जेड नहीं है तो उसमें जिंक ले लेना है, ठीक है। यही ट्रिक है, इसको आप जैसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, डैश इज एलॉय यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर। डैश इज एलॉय, बिजली के तारों को जोड़ने के लिए डैश मिस धातु को उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोल्डर, ठीक है, मिलाप, जिसको हम लोग मिलाप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य घटक आपका है ऑप्शन नंबर ए मीथेन, मीथेन इसका मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल डैश इज यूज एट कैटलिस्ट। वनस्पति तेल या फिर घी के हाइड्रोजनीकरण के लिए क्या कैटलिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकल, Ni, निकल कैटलिस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल गिव्स, इथेनॉल का निर्जलीकरण क्या देता है? डिहाइड्रेशन मीन्स पानी को हम लोग निकाल देंगे तो इथेनॉल क्या देगा, तो क्या देगा, इथेन देगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा सी, सी सॉरी इथिन, इथिन देगा, इथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड वेनेगर। कितना परसेंट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर को हम लोग वेनेगर कहते हैं, पानी में एसिटिक एसिड का कितना प्रतिशत घोल को वेनेगर कहा जाता है, ठीक है। तो वो परसेंटेज कितना रहेगा तब उसको हम लोग बोलेंगे वेनेगर, तो 5 से 8% जब रहेगा तब हम लोग उसको वेनेगर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए 5 से 8%। नेक्स्ट आपका, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉइक एसिड इज, परिशुद्ध इथेनॉइक एसिड का गलनांक क्या है? तो 290 केल्विन इसका गलनांक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट
नेक्स्ट आपका है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एस्टर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस टू गिव अल्कोहल एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड। एस्टर अल्कोहल और कार्बोऑक्सिलिक एसिड दोनों देने के लिए एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रक्रिया करता है जिसे डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, सोचिए क्या हो जाएगा। अगर आप लोग स्टेरिफिकेशन बोल रहे हैं तो गलत हो जाएगा आपका, अगर आप लोग सेफोनिफिकेशन बोल रहे हैं तो आपका सर आंसर राइट हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना है सेफोनिफिकेशन होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक साइज या एटॉमिक नेचर। तत्वों के गुण उनके डैश के आवधिक कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के आधार पर पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है उनको रखा गया। अब चलते हम लोग नेक्स्ट पेज पे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज डैश पीरियड। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश अवधियां होती है, मीन्स कितनी अवधियां होती है आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी है, 7 पीरियड होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आपको ये बात याद रखना। नेक्स्ट, मेटलॉइड क्या है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मेटलॉइड आपका ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि इनमें से मेटलॉइड क्या है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सिलिकन। सिलिकन आपका मेटलॉइड है, ऑप्शन ए टाइटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एम सेल ऑफ क्लोरीन कंटेन डैश इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन सेल वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, Lm, N। ठीक है, तो आपको बताना है एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के। तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि लास्ट वैलेंस सेल ऑफ क्लोरीन में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है आपका मेटल ऑक्साइड प्लस मेटल इसका गिब्स एक्स प्लस वाटर। तो मेटल ऑक्साइड और एसिड को हम लोग रिएक्ट करेंगे तो क्या देगा, एसिड वाटर के साथ क्या देता है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स सॉल्ट हो जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। जब हम लोग मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट देगा और वाटर देगा। नेक्स्ट है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या है। तो हाइड्रोनियम आयन कुछ नहीं है, H3O+ को ही हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। 90 क्वेश्चन नहीं, 51 से शुरू किए थे तो 51 से 90 क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। अगर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और लाइक तो ज़रूर करके जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज, मैग्नीशिया के दूध का पीएच क्या है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका हो जाता है, क्योंकि अक्सर पीएच पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका है 10। पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या हो जाएगा, 10 है इसका पीएच, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटमोसफियर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ, शुक्र का वातावरण डैश के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है, तो उसमें जो क्लाउड है थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड, वो किससे बने हुए हैं, ये आपको पूछ रहा। तो वो H2SO4 के बने हुए हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा H2SO4। डैश एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो, टमाटर में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टोमेटो में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पे आते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड पता ही आपको कि नमक सोडियम क्लोराइड है, और उसके एक्वस घोल को हम लोग क्या कहेंगे, खारा ब्राइन, ठीक है, इंग्लिश में ब्राइन कहेंगे और हिंदी में खारा कहेंगे, और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एट, तो यहाँ पर बता रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, फॉर्मूला जो कॉमन फॉर्मूला है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपका है CaOCl2, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पेज ओवर हो चुका है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण क्या प्रदान करता है हम लोगों को, तो क्या प्रदान करता है, वाशिंग सोडा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्रिस्टलाइजेशन करता है, तो क्या मिलता है, वाशिंग सोडा। नेक्स्ट आपका डैश इज यूज एज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन राइट पोजीशन, तो यहाँ पर पूछा गया है प्लास्टर का, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा आपका Ca(SO4)½H2O, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डैश मेटल एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो बताना है कौन सा धातु कमरे के तापमान पर लिक्विड टेम्परेचर में मौजूद रहता है, तो ये आपका है मरकरी, मरकरी एक धातु है, मेटल है, और वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश इज ए एलोट्रोप ऑफ एटॉम कार्बन विच इज हार्डेस्ट इन नेचर, तो बता रहा है कि कौन सा एलोट्रोप अपरूप धातु कौन सा है कार्बन का, जो कि बहुत ही हार्ड है, कठोर है, ठीक है, तो ये डायमंड है, डायमंड बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट एलिमेंट है, और वो कार्बन का एलिमेंट भी है, कार्बन
कार्बन के एलोट्रोप भी है वो। और हमारा 100वां क्वेश्चन है, एम्पोथेरिक्स ऑक्साइड इज, एम्पोथेरिक ऑक्साइड कौन सा है? तो एम्पोथेरिक आपका ऑक्साइड एल्युमिनियम बनाता है, Al2O3 एक एम्पोथेरिक ऑक्साइड है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री के ख़त्म हो जाते हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स में चलेंगे, फिजिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन आए वो हम लोग देखते हैं।